साथियों, रूखी फटी त्वचा, यह वो समस्या है जो आपकी अल्टीमेट मन की इच्छा, आपके चेहरे पे चमक को पूरा नहीं करने देती। सबसे बड़ा रोड ब्लॉक, सबसे बड़ा हिंड्रेंस, सबसे बड़ी रुकावट चेहरे पे चमक लाने ना आने की या आने की यही है कि आपकी स्किन ड्राई रहती है, रूखी रहती है। तो अगर आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कर लें तो आपके चेहरे पे आपको चमक लाना बहुत आसान हो जाएगा। आज आपकी यही समस्या को खत्म करने का एक सार्थक प्रयास हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका फिर से स्वागत है। साथियों, स्किन का मॉइस्चराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्किन की चमक से। आपकी त्वचा तभी चमकेगी जब आपके स्किन का, अगर हम यहाँ बात करें, आपके चेहरे का स्किन का मॉइस्चराइजेशन होगा। अगर स्किन रूखी होगी, अगर त्वचा रूखी होगी तो आपका चेहरा कभी चमक नहीं सकता। तो यदि आप चेहरे की चमक के विषय में सोच रहे हैं तो उसका पहला मापदंड आपको ये पूरा करना पड़ेगा कि आपकी स्किन मॉइस्चराइज हो, स्किन रूखी ना हो। और दुर्भाग्य से ये बहुत बड़ी समस्या है। बहुत लोग, पेशेंट हमारे क्लिनिक आते हैं जिसका रंग तो बड़ा गोरा होता है लेकिन उनकी स्किन ड्राई होती है, इस कारण वो हमारे पास आते हैं चेहरे की चमक की दवा लेने के लिए। और अभी हमने एक साथी हूँ वीडियो बनाया था स्किन मॉइस्चराइजेशन का कुछ वक्त पहले, वो हमारे चैनल के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला वीडियो है। तो इससे मुझे और महसूस हुआ इस बात की आवश्यकता कि स्किन का मॉइस्चराइज ना होना कितनी बड़ी समस्या है। लेकिन आपकी मैं इस दुविधा को, आपकी इस मन की समस्या को हम प्रयास करेंगे आज खत्म करने का, और आपके सामने लाए हैं बहुत ढूंढ के बहुत पढ़ के एक बड़ा अच्छा नुस्खा जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करने में मील का पत्थर साबित होगा। मैं मील का पत्थर इसलिए कह रहा हूँ कि आप जितना प्रयास कर लें, आप जितना मॉइस्चराइज़र लगा लें, लेकिन बहुत देर तक आपकी स्किन मॉइस्चराइज नहीं रहती। महिलाएं क्लिनिक पे आती हैं, बताती हैं, मरीज आते हैं बताते हैं, ख़ास तौर से महिला मरीज आती हैं बताती हैं कि डॉक्टर साहब मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, एक दो घंटा थोड़ा आराम रहता है, फिर सब कुछ सूख जाता है और स्किन वैसे ही रूखी और बेचमक हो जाती है। तो अगर आप ये नुस्खा करेंगे जो हम बताने जा रहे हैं तो मैं समझता हूँ आपकी स्किन का मॉइस्चराइजेशन अगर सुबह आप करेंगे तो शाम तक आपकी स्किन रूखी नहीं होगी, और अगर आपकी स्किन रूखी नहीं होगी तो स्किन पे चमक आएगी। बताते हैं साथियों एक बहुत अचूक घरेलू नुस्खा जो आपकी स्किन पे चमक लाएगा और आपको कॉन्फिडेंट बनाएगा आज के युग में, जब लाख लाख आदमी थ्योरी में कहे कि रूप में क्या रखा है, सीरत अच्छी होनी चाहिए, सूरत में क्या रखा है, सीरत अच्छी होने लगी। लेकिन एक तथ्य है, एक ये फैक्ट है कि समाज आज भी सूरत ज़्यादा देखता है। फेयर एंड लवली से फेयर वर्ड हट जरूर गया क्रीम से, लेकिन ये एक शोध का विषय है कि ये तमाम संगठनों के दबाव में हट तो गया वर्ड, लेकिन ये शोध का विषय है कि आज भी वह कंपनी इसको हटाने में कैसा महसूस करती होगी, चर्चा का विषय ही है। तो एक टॉम क्रूज की बहुत पहले जब हम छोटे थे पिक्चर आई थी, हमें याद है, और मैं टॉम क्रूज को मिशन इम्पॉसिबल वाला हीरो को बड़ा स्मार्ट मानता भी हूँ, बाकी अब तो ध्यान देने का वक्त नहीं मिलता उनका उतना इन सब बातों पे। लेकिन एक पिक्चर आई थी फ्लुक्स कुड किल, देखिएगा बड़ी अच्छी सी पिक्चर रही है, मेरा ख्याल एक टॉम क्रूज की सबसे अच्छी फिल्म हॉलीवुड मूवीज में से एक है ये। पर तो
साथियों, इफ लुक्स कुड किल देन व्हाई नॉट हैव अ शाइनी रेडिएंट गुड लुक एंड व्हाई नॉट। तो चलिए उस सफर पर चलते हैं, आपको बताते हैं आपके चेहरे को मॉइस्चराइज करने का एक अद्भुत अचूक बहुत कम पैसे में तैयार करा हुआ घरेलू नुस्खा। साथियों, बहुत ज़्यादा इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसके लिए लेना है एक एवोकाडो। एवोकाडो साथियों एक फल होता है, बहुत लोगों को मालूम होगा, लेकिन जो हमारे गांव और विलेजेस के जो सी टाउन्स वाले लोग देख रहे हैं शायद उसमें किसी को ना मालूम हो, तो मैं बता दूं एवोकाडो एक फल होता है, गूगल करेंगे आ जाएगा, उसकी फोटो इसमें हमारे बगल में लगी है, आप देख लीजिएगा। वो एवोकाडो आप आधा ले लीजिए, उसके सीड को निकाल लीजिए, बाकी जो एवोकाडो है उसको आप छील लीजिए, छीलने के बाद उसको आप क्रश कर लीजिए और उसको आप पेस्ट बना लीजिए। इस पेस्ट को आप इस पेस्ट में ही आप एक चम्मच शहद डाल लीजिए और एक बड़ा चम्मच दूध डाल लीजिए, यानी एक चम्मच हनी और एक चम्मच मिल्क, बड़ा बड़ा चम्मच डालिएगा। तीनों चीजों को आपस में मिला लीजिए, यानी एवोकाडो का पेस्ट, हनी और मिल्क, इसको आप मिला लीजिए और इस पेस्ट को आप चेहरे पे लगा लीजिए। इसको आप 15 से 20 मिनट लगा रहने दीजिए, उसके बाद आप नॉर्मल वाटर से फेस को वॉश कर लीजिए। आप अपने में एक अद्भुत स्किन में मुलायम स्थिति देखेंगे, एक 6 महीने के बच्चे जैसी स्किन की मुलायम स्थिति देखेंगे, मैजिक हो जाएगा आपकी स्किन में सॉफ्टनेस के तौर पे। और मैं आपको यह भी बताता हूं ऐसा क्यों होगा, अपनी बात को रखने के लिए और आपके उस हक को कि भाई साहब ऐसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं, हम 10 मिनट से इनकी बात सुन रहे हैं, लेकिन ऐसा होगा क्यों, तो मैं वो भी आपको बताता हूं। अच्छा लगे तो ये नुस्खा जरूर करिएगा। साथियों, ऐसा इसलिए होगा कि आपकी स्किन इतनी मॉइस्चराइज हो जाएगी क्योंकि एवोकाडो में एवैक्टिन बी नाम का एक स्पेसिफिक लिपिड पाया जाता है जो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। यह जो फल होता है साथियों एवोकाडो, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ इसीलिए, कि इसमें एवैक्टिन बी नाम का कंपाउंड पाया जाता है जो आपकी स्किन को बहुत फ़ायदा करेगा। इसके अलावा एवोकाडो एक ऐसा फल है जिसका कि कोई ग्लाइसिमिक इंडेक्स आज तक नॉमिनेट नहीं है, उसको असाइन नहीं है, और इट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। इतने सारे गुण हैं साथियों एवोकाडो में जो आपकी स्किन को खूबसूरत बनाएंगे, मॉइस्चराइज करेंगे। दूसरा जो इंग्रेडिएंट साथियों इसमें था वह था हनी, हनी यानी शहद। शहद साथियों आपकी स्किन को इसलिए फायदा करेगा क्योंकि 60,000 फूलों का जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है, एक बीज जो 60,000 फूलों पे जाती है या बीज का हाइप जाती है, तो एक बूंद में उन 60,000 फूलों के अर्क का कलेक्शन होता है। इसके अलावा साथियों जो शहद होता है इसमें 18 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है प्रोलाइन, और यह आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। और मिल्क साथियों, मिल्क में अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड यानी लैक्टिक एसिड होता है जो आपको लाभ देगा। इसके अलावा मिल्क में रेटिनॉल नाम का कंपाउंड होता है, रेटिनॉल एंटी एजिंग कंपाउंड होता है, तो यह स्किन की आपको टाइट भी करेगा और स्किन को मॉइस्चराइज भी करेगा। तो साथियों बहुत से कारण हैं आपके लिए नुस्खा करने के लिए। अब आप एवोकाडो का फल बाजार में ढूंढिए, मैं आधा फल आपसे बोला हूँ केवल, वो आपका सुबह शाम या कम से कम 3-4 दिन फ्रिज में रख के चल जाएगा। मैं आधे फल की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा महंगा है क्योंकि न्यूजीलैंड साइड ज़्यादा होता है, लेकिन अपने शरीर के लिए अगर आप 1200 रुपये की लिपस्टिक खरीद सकते हैं केवल ओट पे पेंट करने के लिए, तो आप एक 10 रुपये का एवोकाडो फल खरीद सकते हैं, तो आप इसको लीजिए क्योंकि बाकी दोनों चीज़ें बहुत सस्ती हैं, दूध
भाई एक लीटर दूध में से घर में अगर आपके आते हैं आपको एक चम्मच दूध लेना है और चार बूंद शहद लेना है, तो चार छः दस बूंद जो भी है, तो आप इस नुस्खे को करिए साथियों, और बताइए कि आपके चेहरे पे स्किन मॉइस्चराइज हुई कि नहीं आपके शरीर की, और स्किन मॉइस्चराइज हुई तो चेहरे पे चमक आई कि नहीं, कमेंट पोर्शन में लिख के हमें ज़रूर बताइएगा। मैं इसको अपनी मेहनत की एक एक्नॉलेजमेंट के तौर पे ग्रहण करूंगा। कोई क्वेरी हो साथियों तो व्हाट्सएप करिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, कोशिश करेंगे आपकी बात का जवाब दे सकें, और निवेदन करेंगे साथियों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन क्लिक करके सबसे पहले सबसे नए वीडियो यूं ही प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों इस खूबसूरत स्किन जो कि हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इम्यून सिस्टम भी है बॉडी का, उसको मॉइस्चराइज करने की घरेलू नुस्खे के इस वीडियो के लिए आपकी उपस्थिति का बहुत बहुत धन्यवाद।